कांग्रेस का भी यहाँ सरकार देख लिए हैं और भाजपा का भी देख लिया, अब तीसरा कोई विकल्प देखा जा रहा है। जैसा जरा मातों का विचार है, जैसा हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बहुत बढ़िया विचार है। बिहार का जमीन बेच के आ रहा और यहाँ का जमीन ले रहा, यहाँ घर बना ले रहा, यहाँ का लोकल आदमी को इंदिरा आवास नहीं मिलता। रोजगार के लिए जो भी सरकारी नौकरी आएगा उसमें प्रायोरिटीज लोकल को ज्यादा दिया जाए। 15 साल से दे रहा है, हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है। कहने का मतलब जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है, निकाला हुआ था वैकेंसी जेएमएम सरकार आते आते रद्द कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत और जीएन भारत के चुनावी सफर में जो है हम खिजरी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। हम आपको दिखा दें कि खिजरी विधानसभा क्षेत्र की जो मौजूदा परिस्थिति है हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये बीजेपी का झंडा लहरा रहा है, तो वहाँ आप सामने देख सकते हैं कि वहाँ पर कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है, और यहीं जो बगल में जो है ये कैची छाप यानी जयराम महतो की पार्टी का झंडा लहरा रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखा जा सकता है, क्योंकि ये झंडा लहराने वाली जो बात हमने कही है, बीजेपी कांग्रेस और जेएलकेएम पार्टी जो है यहाँ पर मजबूत दावेदारी यहाँ पर पेश कर रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पर जो है लोग भी हैं और उनसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। हाँ जी नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? रामेश्वर साहू। हाँ, कैसा आप देखते हैं यहाँ पर माहौल, कैसा है, किसके पक्ष में माहौल दिख रहा है? बीजेपी के पक्ष में। बीजेपी। अब बताइए आपका क्या नाम हुआ? मेरा नीरज कुमार हुआ, महतो। नीरज जी, ये बताइए कि यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी भी है ना, भाजपा भी है, और तीसरा विकल्प आप देख रहे हैं क्या है? हाँ, क्या लगता है? यहाँ आपको जितना भी आधा भाजपा ही था वो आपको कैंची छाप में जा रहा है। कैंची छाप। हाँ अच्छा, तो कैची छाप ही क्यों, आप लगता है कि कैची छाप ही? कांग्रेस का भी यहाँ सरकार देख लिए हैं और भाजपा का भी देख लिया है, अब तीसरा कोई विकल्प देखा जा रहा है यहाँ। तो जयराम महतो के पार्टी पे आप विश्वास करते हैं? हाँ, उसी में विश्वास है। सुधार तो दोनों पार्टी नहीं ला पाया, जैसा जयराम महतो का विचार है, जैसा हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बहुत बढ़िया विचार है। तो क्या कुछ ऐसा विचारधारा जो है जयराम महतो की पार्टी में देख रहे हैं आप? क्या जयराम महतो का पहला विचारधारा कि यहाँ का लोकल के लिए हम अपना जो भी करेंगे लोकल के लिए करेंगे, यहाँ का जो लोकल है पहले उसको हम ये स्थानीय है उसको प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि जल जंगल जमीन जंगल बाहर से आ रहा है वही लोग यहाँ पर ज़्यादातर। ये अभी इधर देखिए ज़्यादा जनरल ज़मीन है, हर जगह बिहार से आके सब जमीन ले ले रहा है, बिहार का जमीन बेच के आ रहा है और यहाँ का जमीन ले रहा है, यहाँ घर बना ले रहा है, यहाँ का लोकल आदमी को इंदिरा आवास नहीं मिलता है और वो बाहर से आके पैसा लगा के बिल्डिंग ठोक दे रहा है, और यहाँ आदमी जो 20 साल पहले रह रहा है वैसे आज भी रह रहा है। कैसा आपका कारोबार कैसे चल रहा है? मेरा तो मंदा डाउन है, 19 के बाद से जो मंदा 19 जब आया ना कोरोना, उसके बाद से मंदा थोड़ा डाउन हो गया, सब चीज़ का मूल्य बढ़ते गया। क्या लगता है कि जो पार्टी आए जयराम महतो की पार्टी का आप बोल रहे हैं, वो आने से कुछ परिवर्तन होगा क्या? परिवर्तन तो होगा, वो तो स्थानीय मुद्दे होंगे ना, रोजगार रोजगार के लिए भी। रोजगार के लिए जो भी सरकारी नौकरी आएगा उसमें प्रायोरिटीज लोकल को ज़्यादा दिया जाएगा। अच्छा, तो देखिए जयराम महतो की पार्टी को ये देखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं लोगों में ये विचार है, कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि इस बार जो है परिवर्तन की लहर यहाँ पर देखने को मिले, और यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर हैं। भैया दीपक कुमार महतो। हाँ दीपक जी, क्या लगता है यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस जेएलकेएम त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं, या तो कोई एक पार्टी जो है विशेष उसको आप पसंद करते हैं? 15 साल से दे रहा है, हम लोग को कुछ नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, तो आपका जो है क्या लगता है कि किस तरह से मतलब आप मतलब परिवर्तन देखना चाहते हैं? बोलिए। देखिए हम लोग तो जिस भी नेता को चुनते हैं अच्छी तरह चुनते हैं, पर हम लोग के लिए ना करते हैं, पर वहाँ 1 साल 2 साल बाद में करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश ठाकुर। सुरेश जी, क्या लगता है कि यहाँ पर जो
पार्टियां हैं, भाजपा, कांग्रेस पार्टी, जेल के एम या निर्दलीय, किस तरह का आप देखते हैं बदलाव? कुछ ऐसा लगता है? बदलाव देखिए, बदलाव तो मैंने कि युवा लड़का का समय है अभी, युवा लड़का लोग तो सब मैंने कि अभी जयराम के मैंने पार्टी में आ रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग हैं या मैंने कि उनका मैंने बीजेपी का वोटर हैं, अभी तक नहीं बदले हैं। अच्छा, तो बीजेपी आपकी पसंद है? बीजेपी तो देखिए एक शुरू से जुड़े हुए हैं, और अब मेरा सब दुकान के बगल में झंडा भी देखिए लगल है। तो आपके सामने कांग्रेस पार्टी भी झंडा है? कांग्रेस का भी झंडा है, उसके बाद में इधर आपका जेल के का है झंडा है, जयराम मातो का। तो ये वोट देखिए, वोट का अधिकार जिसे कहने का मतलब जो होता है ना, ये अपना अधिकार है, है ना। ये वोट जिसे कहने का मतलब है कि किसी को कह के दिया नहीं जाता है, है ना। अब अपने बारे में कहने का मतलब क्या बोले हम, अपना एक वोट का अधिकार है मेरा ना, एक वोट देना है हमको। लेकिन यहाँ पर ये 5 साल में कुछ विकास नहीं हुआ है। 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है। एक कांग्रेस और जेएमएम का जो सरकार में कुछ काम नहीं हुआ है। तो कहने मतलब बाल दाढ़ी बढ़ रहा है लेकिन काटने वाला कोई काटने वाला सर नहीं, नहीं कहने का मतलब जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है। अच्छा, विकास होना चाहिए नहीं हुआ। जितना जो बीजेपी का जो मैंने कहने का मतलब जो निकाला हुआ था वैकेंसी, जेएमएम सरकार आते आते रद्द कर दिया सबको, उनका वाला को रद्द कर दिया। कितना युवा जो है अभी सब बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी को उम्र खत्म हो गया अभी। तो जयराम मतों का पार्टी तो बोल रहा है कि स्थानीय मुद्दे को जो लेकर जो है वो आंदोलन करेंगे और स्थानीय बातें कह रहे हैं, बहुत से लोगों से हमने बात किया तो इस तरह से बातें कह रहे हैं। देखिए अभी तो आएंगे विधानसभा चुनाव में चुन के आएंगे तब ना करेंगे वो, हैं। अभी तो विधानसभा चुनाव में मैंने कि अभी चुनाव हो रहा है, अभी उनका मैंने कि एक सीट भी नहीं है, नया पार्टी है, अब कैसा बोला जाए। चाहते हैं और लोगों से हमने बात किया और यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवी लोग भी हैं। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? सुरेश सिंह। सुरेश जी, यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस ये सारी पार्टियाँ हैं, क्या लगता है कि ये पार्टियाँ जो है, जैसे वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के विधायक यहाँ पर हैं, बीजेपी से रामकुमार पाहन जी हैं और जेएलकेएम पार्टी से जयराम महतो की पार्टी, तो क्या लगता है कि यहाँ पर बदलाव की स्थिति देख रहे हैं या तो ठीक है? यहाँ पर बदलाव में तो रामकुमार पाहन को ही आना है, आएंगे रामकुमार पाहन ही, और उनसे पूरे क्षेत्र का उनका अपना घर के बराबर है, बराबर आना जाना है। यहाँ पर नौकरी करते थे उषा मार्टिन में, हम लोग के साथ काम किए हैं, उषा मार्टिन के जितने वर्कर हैं सब उनको जानते हैं, उनको बच्चा बच्चा जानता है, और लोग तो कभी कभार आते हैं, कभी कभार मिलते हैं, वो सबको जानते पहचानते नहीं हैं। राम कुमार पाहन तो एक तरह से घर का भाई, घर का लड़का, घर का गार्जियन जो कह लीजिए, मतलब लगता है, मतलब वो सभी लोगों से मिलते जुलते हैं, सब ऐसा लगता है नहीं, वो तो हमारे साथ काम किए हैं तो फिर अब हम और क्या कहें। उषा मार्टिन में हम फोर्कलिप चलाते थे, वो हमारे साथ जो है वो फोर्कलिप में काम करते थे वो, तो फिर अब हम उनका तो मतलब कि बचपन से लेकर के आज तक को उनको देखते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रामकुमार पाहन और रामकुमार पाहन ही आएंगे, मतलब पूरा उम्मीद एकदम पहले से जता दिए एकदम। पिछली बार कुछ हुआ, विश्वासघात हुआ, जिसके चलते 6-7 हज़ार वोट, बहुत मामूली वोट के अंतर से वो हारे थे, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं है, इस बार वो आएंगे। अच्छा, यहाँ पर मूलभूत समस्या क्या है? समस्या तो हो रही होगी तभी तो आप लोग परिवर्तन फिर से देखना चाह रहे हैं। समस्या तो देखिए यहाँ पर है, समस्या की कमी तो, समस्या तो सब जगह है, अपनी अपनी सबकी अलग अलग है। हम रहते हैं आदर्श नगर में, आदर्श नगर में बहुत सारी समस्या है, वहाँ बहुत बड़ी बस्ती है, बहुत घनी आबादी है, कचरा फेंकने का कहीं जगह नहीं है, रोड पाइपलाइन जो बिछा तो रोड सब बना हुआ था पीसीसी पहले से ऑलरेडी, सब तोड़ करके पाइपलाइन बिछा,
और पाइपलाइन बिछाने के बाद में रोड को रिपेयर नहीं किया, वैसे छोड़ करके ठेकेदार भाग गया। सभा क्षेत्र की जनता से हमने राय लिया और ये जानने का प्रयास किया कि उनके मन में क्या है और उनका मूड और मिजाज क्या है। तो उन्होंने अलग अलग बातें कही है। किसी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को जो है इस पर वो देखना चाहते हैं, और किसी ने कहा है कि भाजपा को देखना चाहते हैं, और किसी ने कहा है कि जयराम महतो की पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ देखना चाहते हैं। यानी कि तीन तरह की बातें यहाँ से निकल कर सामने आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि खिजरी विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।